नमस्कार, जेएनआई न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का अग्रवाल। इस वक्त की बड़ी खबर बाराबंकी से आ रही है। आपको बता दें, बाराबंकी जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी राजरानी रावत के समर्थन में कुर्मी नेता आरसी पटेल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं आरसी पटेल की मुंह जबानी। मयंक यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जेएनआई न्यूज, आपके साथ में मयंक यादव। इस वक्त मैं बाराबंकी मुख्यालय में बैठा हूँ। आप बता दें, जो बाराबंकी जनपद जो है राजधानी लखनऊ के पास पड़ता है, और इस समय जिला पंचायत चुनाव जो है चल रहे हैं, और ये भी माना जा रहा है कि बाराबंकी जनपद में आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई जिला पंचायत अध्यक्ष की सीट पर प्रत्याशी नहीं जीता है। हमारे साथ हैं कुर्मी नेता आरसी पटेल, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। पटेल जी, आपका बहुत बहुत हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस बार जो है ये माना जा रहा है कि अभी तक सुना है मैं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इस सीट पर जीत नहीं पाई है, जो जिला पंचायत अध्यक्ष का है, लेकिन इस बार जो है इस सीट पर आपके प्रत्याशी जो है चुनाव मैदान में है, इस बार क्या चुनाव आपकी पार्टी की सकती है? बहुत अच्छा सवाल है मयंक यादव जी। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने एक ईमानदार छवि वाले कर्मठ महिला को टिकट दिया। राजरानी रावत जी बहुत ही मेहनती मिडिल क्लास फैमिली से हैं, जिला पंचायत सदस्य रह चुकी हैं, विधायक रह चुकी हैं, और पुनः फिर जिला पंचायत सदस्य हो चुकी हैं। उनके टिकट में बाराबंकी जनपद के सारे एमएलए और सांसद चाहते थे। राजरानी रावत जी लोकप्रिय चेहरा हैं, राजरानी रावत जी पूर्णतया निष्ठावान ईमानदार हैं, अच्छी छवि की मालिक हैं। राजरानी रावत जी के साथ कुर्मी समाज उनके साथ हमेशा जुड़ा रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि राजरानी रावत जी भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार बनी है, और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव वो जीतेंगी ही नहीं, जीतने जा रही हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। हम कैसे मान ले कि जो है राजरानी रावत चुनाव जीतने जा रही है, क्योंकि आपके भारतीय जनता पार्टी के जो जिला पंचायत सदस्य आपने जो भी लड़ाया था उसमें से आपके पार्टी के आरसी को जीत करके आए हैं, और तो शेष समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है, निर्दलीय प्रत्याशी किसान यूनियन के भी कुछ प्रत्याशी जीते हुए हैं, और किसान नेता आपके पार्टी को मानते नहीं है क्योंकि वोट देने तैयार नहीं। कैसे मान ले आपकी पार्टी जो है चुनाव इससे जीतने जा रही है? बहुत सही सवाल है आपका। अरे मैं भी तो किसान हूँ, मैं भी तो कुर्मी हूँ। कुर्मी समाज क्या है? किसान नहीं तो क्या है? साकेंद्र वर्मा क्या है? किसान नहीं तो क्या है? राजरानी रावत क्या है? किसान नहीं तो क्या है? अरे पूरा किसान उत्तर प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी के साथ था, और भारतीय जनता पार्टी के साथ है। भारतीय जनता पार्टी ने कुर्मी समाज को वो दिया है जो अब तक तमाम पार्टियों ने दिया ही नहीं। कुर्मी समाज की गवर्नर बैठी आनंदी बेन पटेल, कुर्मी समाज के विधायक हैं कुर्सी के विधायक साकेंद्र वर्मा जी, कुर्मी समाज के प्रदेश अध्यक्ष हैं हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। इसलिए कुर्मी समाज किसान है, और किसान जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट करने जा रहा है, और ये गलत फहमी में ना रहे कोई कि भारतीय जनता पार्टी के 8 उम्मीदवार जीते। भारतीय जनता पार्टी के पास तो लोग दौड़ दौड़ कर चले आ रहे हैं, उनको बुलाना भी नहीं पड़ रहा है। हमारे पास इतने जिला पंचायत सदस्य इकट्ठा हो गए हैं, ये तो आप 3 तारीख को देखेंगे कि जीत किस कितने वोटों से हुई। लेकिन ये चुनाव जो है आप कर सही कह रहे हैं कि इतने प्रत्याशी आ गए हैं, लेकिन ये चुनाव जो है घर पर लोग का माना गया है, जो करोड़ों का इसमें खर्चा आता है, तो इसमें क्या आपके प्रत्याशी के पास इतना पैसा है जो चुनाव आसानी से जीता जा सके? पूंजीवाद और धन पशुओं के खिलाफ है कुर्मी नेता आरसी पटेल। राजरानी रावत को तहे दिल से इसीलिए पसंद करता हूँ कि राजनीति में राजरानी रावत ने कोई धन नहीं कमाया, राजरानी रावत ने समाज सेवा की है, राजरानी रावत ने काम किया है, और काम करने वाले ही व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है, यही मेरा विश्वास है, यही मेरी उम्मीद है।
और इसके जिला पंचायत अध्यक्ष के बाद में भी जो है ब्लॉक प्रमुखी के चुनाव आने हैं और जो है ब्लॉक स्तर पर सदस्य क्षेत्र पंचायत जो होते हैं उन पे क्या आपका कैलकुलेशन है, कितने ब्लॉकों पे जो है आपकी भारतीय जनता पार्टी भगवा परचम लहरा पाएगी, आपका एक दर्जन से ज्यादा ब्लॉक प्रमुख होंगे भारतीय जनता पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं, एक दर्जन से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी ब्लॉक प्रमुखों का पर अपना परचम फहराने जा रही है। गलत फहमी में विपक्ष न रहे, भारतीय जनता पार्टी की भारी बहुमत से विजय मिली जाए। पटेल जी, आप जो है भारतीय जनता पार्टी के निवेदित एक MLC के प्रत्याशी हैं और आप जो है उसमें ये भी हम देखे हैं जगह जगह आपके जो है बैनर लगे उसमें आप उर्मी नेता के नाम से बहुत ही आए हुए हैं, आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आपको MLC का उम्मीदवार बनाएगी? बिल्कुल विश्वास है, 4 लाख कुर्मी मतदाता है बाराबंकी जनपद में, ये सभी जानते हैं। 1 करोड़ मतदाता है उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज का, ये सभी जानते हैं। तो कुर्मी समाज का नेतृत्व बाराबंकी जनपद में रहा है ये बच्चा बच्चा जानता है, इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि भारतीय जनता पार्टी मुझे उम्मीदवार बनाएगी। उम्मीदवार बनाएगी तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी जिसको उम्मीदवार बनाएगी उसको लड़ूंगा। आप कुर्मी की ज्यादातर बात करते हैं, आप कुर्मी कर रहे हैं, क्या कुर्मी के वोट से आप चुनाव जीत सकते हैं? जिस देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। अरे हम जिस बिरादरी में पैदा हुए उस बिरादरी की बात करना गुनाह है क्या? मुलायम सिंह यादव अपनी बिरादरी की बात नहीं करते क्या? मायावती अपनी बिरादरी की बात नहीं करते क्या? मुस्लिम अपनी सोफी समाज की बात नहीं करता क्या? तो कुर्मी नेता आशीष पटेल अगर कुर्मी समाज की बात करता है तो गुनाह है क्या? लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विचार है सबका साथ सबका विश्वास। बिल्कुल बिल्कुल, 26 बिरादरी भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, इसमें लोहार है, कहार है, बढ़ई है, सुनार है, जैनी है, मारवाड़ी है, श्रीवास्तव है, ठाकुर है, पंडित है, कुर्मी है, लोध है, रावत है। हम कहाँ कहते कि सिर्फ कुर्मी समाज ही भारतीय जनता पार्टी को जिताता है, लेकिन कुर्मी समाज बहुतायत संख्या में है भारतीय जनता पार्टी के साथ। कुर्मी समाज, रावत समाज जब ये थोक में आता है तो उत्तर प्रदेश में चारों तरफ BJP का परचम फहराता है, ऐसा मेरा विश्वास है। ये जो है हमारे साथ कुर्मी नेता आशीष पटेल जी थे जो और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में अपना जो है वादा कर रहे हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो बाराबंकी से जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रत्याशी राजरानी रावत हैं वो चुनाव जीत करके आएंगी और ज्यादातर जो है ब्लॉक प्रमुख भी हमारे पार्टी के इस बार निर्वाचित होंगे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि ये कितना इनका जो है कॉन्फिडेंस कितना खरा उतरता है और ये जितने भी बताए हैं वो कितनी बात उनके सत्य साबित होती है और कितना ही अपने प्रत्याशियों को जिताने में इस लोग सहयोग कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जेनआईन्यूज़ चैनल, आपके साथ मैं कर यादव।